मैंने सोमवार को ज्वाइन किया था और जिनों की विजिट का जो थानों का मैंने प्रारंभ किया उसमें सबसे पहले ब्यावर एक्चुअली अजमेर में महत्वपूर्ण स्थल है और इसलिए मैंने सबसे पहले यहीं से शुरुआत करी है। अभी आकर के क्या क्या समस्याएं फोर्स मेरी फेस कर रही है, क्या जनता कर रही है, उसकी जानकारी कर रहा हूँ और इस फोर्स की मदद से क्या हर रात प्रदान की जा सकती है, इसके लिए उनसे बात करके और स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और प्राथमिकताएं तो हमारे पुलिस मुख्यालय ने निर्धारित कर रखी हैं, उन्हीं की हमें पालना करनी है। इसके अलावा स्थानीय कोई जरूरत है, कोई परेशानियाँ हैं तो उसका भी निदान करने का प्रयास करेंगे। नफरी बात सही है, आपकी करीब 4 लाख की पॉपुलेशन में व्यापार की और उसके हिसाब से इतना स्टाफ होना चाहिए, उतना स्टाफ नहीं है, ये बात सही है। लेकिन आपको ध्यान होगा भी हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा नए कॉन्स्टेबल्स का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, अंजाम हो गई तो मोस्ट ऑफली 1.5-2 महीने के अंदर उनकी भर्ती हो जाएगी जैसे हमारी अपेक्षा है। और उनके आने के बाद ही नफरी वाली हो पाएगी, लेकिन लाइन से जितना हमारे पास उपलब्ध है उसमें जाप्ता वोट देने के लिए प्रयास करें। 2 थाने ब्यावर सिटी और सदर के नाम से, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो थाने तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो इस पर एसेस करेंगे। एसेस करके कोई नए थाना बनाने की आवश्यकता हमें महसूस होगी, क्राइम को रोकने के लिए ज़रूरी है, उसका प्रस्ताव बनाएंगे उसमें। सर एक लंबे बहुत लंबा चौड़ा है, राज्य सरकार ने 28 थाने दिए आपको इसी साल में दिए पूरे स्टेट में, तो सबसे 1 थाना अपने को जिले में मिल रहा है। और जब भी राज्य सरकार नया थाना सेंक्शन करेगी खुशी होगी, बिल्कुल खुशी होगी सर, और प्रस्ताव बना के भिजवाएंगे और अपने साहब के पास बैठेंगे, सरकार से मंजूर कराएंगे। जो है ये गरीब तबके को प्रभावित करता है, सट्टे का जुटाव पैसे वाले इतना प्रभावित नहीं करता है। ये बात सही है कि इससे कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, तो इसमें आने वाले निश्चित तौर से मानते हुए काम कर ही रहे होंगे, लेकिन इसमें ज़रूरत ये है कि जो बड़ा माफिया है, जो ये पूरा सट्टे का किंग मेकर है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, तो उनके खिलाफ में कार्रवाई करने